अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सुभान। आप देख रहे हैं उर्दू गेमर। आज मैं कुछ ऐसी गेम्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो लो एंड पीसी के लिए स्पेशलिस्ट होंगी। ये 10 या 10 या 12 आप गेम लगा लेंगे, ये वाली गेम्स मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास इंटेल के एचडी ग्राफिक है, पेंटियम 4 है, पेंटियम 3 है, तो कोई टेंशन नहीं। जानी आप आज की लेटेस्ट गेम खेलेंगे तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे यहाँ पे मैंने रखा है स्पाइडरमैन वेब ऑफ शेडो 2008 की में आई हुई गेम को। बेसिकली ये गेम है, ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर गेम है, और इसमें का आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा ओपन वर्ल्ड का। बेसिकली ये स्पाइडरमैन की गेम है, तो फिजिक्स वगैरह बहुत अच्छी हैं इसकी, और आपको लड़ने के लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाएगा, तो ये भी आप इंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 पे मैंने यहाँ पे जिस गेम को रखा है उसका नाम है असैसिन ग्रेड 2, और ये 2009 में आई हुई गेम है। अगर इसकी बात की जाए कि ये क्या रीजन है, बेसिकली एक्शन एडवेंचर गेम है जिसकी फिजिक्स वगैरह उस हिसाब से 2009 के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। अगर आपके पास पेंटियम 4 का पीसी और जिसमें कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो ये गेम आपके पास चलेगी ईजी और आपको मज़ा आएगा ये खेलने का, क्योंकि गेम की स्टोरी लाइन भी बड़ी अच्छी है। नंबर 3 पे जो मैंने यहाँ पे गेम रखा है उसका नाम है एक्स मैन ओरिजिन वुल्वरीन, और ये 2009 में आई हुई गेम है जैसे कि पिछली थी। और बेसिकली ये हैक एंड स्लैश एक्शन एडवेंचर गेम है, स्टोरी लाइन बड़ी कमाल है, और इसकी फिजिक्स और मूव्स बहुत पसंद आएंगे आपको। और पेंटियम 4 पे चलेगी ये गेम, यानी कि टेंशन कोई नहीं अगर आपके पास 512 की रैम भी है। नंबर 4 पे अब मैं जिस गेम के बारे में बात करने लगा हूँ इसका नाम है मेडल ऑफ ऑनर 2010 में आई हुई गेम। बेसिकली फर्स्ट पर्सन शूटर है। जिन लोगों को लगता है कि यार मेरे पास पीसी कमतर है, यानी कि इतना अच्छा पीसी नहीं है और मेरे पास अच्छी गेमें चलनी चाहिए अच्छे ग्राफिक्स में, तो ये गेम बेसिकली उनके लिए है। और 512 की रैम पे ये गेम डेफिनेटली चलेगी, और पेंटियम 4 हो तो चलेगी, लेकिन अगर ड्यूल कोर आपके पास तो बेस्ट सेटिंग पे चलेगी। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैंने जो नेक्स्ट गेम रखी है, नेक्स्ट गेम भी यहाँ पे मैंने रखी है स्पाइडर मैन 2005 में आई हुई ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर गेम है। बेसिकली जो आपने पिछली स्पाइडर मैन देखी है वो तो ड्यूल कोर या पेंटियम 4 में चलेगी, लेकिन अगर आपके पास पेंटियम 3 है या कोई थका हुआ लैपटॉप है पुराने ज़माने वाला, तो उसके अंदर ये गेम चलेगी। रैम की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं, 212 वाली रैम पे भी जो होती है 212 MB की, उस पर भी ये चलेगी, तो फील फ्री आप ये कर सकते हैं। ओपन वर्ल्ड का आप यहाँ पे इसमें मज़ा ले सकते हैं, बड़ी अच्छी गेम है, फिजिक्स वगैरह उस हिसाब से 2005 की काफ़ी अच्छी हैं, तो इन्जॉय करें। ये भी लिंक भी मैं सोच रहा हूँ आपको डिस्कॉर्ड में दे ही दूँ आप अपने ये वाली जितनी भी गेम्स हैं। अच्छा जी, नंबर 6 पे जो मैंने यहाँ पे गेम रखी है उसका नाम है डार्क साइडर्स 2, 2012 में आई हुई गेम इस। और बेसिकली ये एक स्टोरी बेस्ड गेम है, स्टोरी बड़ी आपको पसंद आएगी, मॉन्स्टर से काफ़ी ज़्यादा बीच में लड़ाई होती है, हैक एंड स्लैश एक्शन एडवेंचर गेम है। और पेंटियम 4 पे तो ये नहीं चलेगी, लेकिन ड्यूल कोर पे डेफिनेटली चलेगी, 1 GB रैम रिक्वायर्ड है इसके लिए, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, लिंक भी डिस्कॉर्ड पे जाकर मिल जाएगा आपको। नंबर 7 पे जो मैंने गेम रखी है बेसिकली क्राइसिस नाम है इसका, वार हेड इसकी सीरीज से आप काफ़ी ज़्यादा पता होगा आप लोगों को। इसका रीमास्टर भी आया 2020 में, 2008 में बेसिकली ये गेम आई है। फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है, ग्राफिक्स इसके बहुत अच्छे हैं, लेकिन ड्यूल कोर रिक्वायरमेंट है इसकी, इंटेल एचडी ग्राफिक्स पे इजी चलेगा।
और 1 से 2 GB की रैम भी इसके लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन ये गेम इजी चल जाएगी आपके पीसी में। और बाकी फिजिक्स वगैरह इसकी A1 है, टेंशन की बात नहीं। अच्छा जी, नंबर 8 पे जो मैंने गेम रखा है, बेसिकली ये एक रेसिंग गेम है, आर्केड रेसिंग, और इसका नाम है ब्लर। और आप लोगों को, काफ़ी लोगों को इस गेम का पहले का भी पता हो सकता है। 2010 में ये गेम है, बेसिकली रेसिंग के ऊपर बेस्ड है इसमें, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मोड्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ मल्टीप्लेयर में भी इसमें इंजॉय कर सकते हैं, और ज़्यादातर लोग इसको उसमें खेलते हैं एक्सबॉक्स में, लेकिन ये आपके पीसी में भी चल जाएगी। और ऑलमोस्ट 1 से 2 GB की ये गेम है, और लेकिन ड्यूल कोर की रिक्वायरमेंट है इस गेम को चलाने के लिए अच्छी सेटिंग्स पे। तो इसका लिंक भी आपको मैं डिस्कॉर्ड पे दे दूंगा, मेरे डिस्कॉर्ड पे नीचे क्लिक करें और इस गेम को भी वहां से जाके डाउनलोड करें। यहाँ मैं लिंक नहीं दे सकता आपको। अच्छा जी, नंबर 9 पे जो मैंने गेम रखा है, बेसिकली ये स्प्लिंटर सेल 2010 की कलेक्शन है। बेसिकली ये गेम आपकी जो सबको पता होगा, इस गेम में बेसिकली ड्यूअल कोर में चलेगी और 2 GB मिनिमम रैम रिक्वायरमेंट है इसकी, और स्पेशल कोई ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं है, इंटेल HD ग्राफिक पे इजी चल जाएगी गेम। स्टोरी और जो इसके मिशन है वो बड़े इंटरेस्टेड है, और आपको एक बिनी ओपन वर्ल्ड का एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा इस गेम के अंदर। So, what's on the schedule for tomorrow? नंबर 10 पे यहाँ पे बात करते हैं एक कॉल ऑफ ड्यूटी की, और कॉल ऑफ ड्यूटी से ही यहाँ पे मज़ा आने वाला है। और कॉल ऑफ ड्यूटी 4 है जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसका नाम है मॉडर्न वारफेयर। 2007 में आई हुई गेम है, फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है। बेसिकली ये Pentium 4 में भी आपको चल जाएगी स्टोरी, और इसके मिशन और इसकी फिजिक्स बहुत अच्छी है। अलबत्ता इसके मिशन तो बहुत ही कमाल के हैं, आपको ओवरऑल बहुत अच्छा इसमें एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अगर आपके पास एक लो एंड पीसी है तो उस हिसाब से ये एक बेस्ट चॉइस है आपके लिए, एक परफेक्ट, यानी कि समझ लें कि एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम के लिए। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं अब एक्स्ट्रा गेम्स की। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में एक्स्ट्रा गेम देता हूँ, यहाँ पे भी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा गेम्स दूंगा जाते हुए। और यहाँ पे सबसे पहले जो मैं आपको एक्स्ट्रा गेम देने जा रहा हूँ, उस गेम का नाम है टॉम्ब राइडर अंडरवर्ल्ड, और ये 2008 में आई हुई एक्शन एडवेंचर गेम है। जैसे कि अनचार्टेड प्ले स्टेशन के लिए एक्सक्लूसिव गेम्स हैं, लेकिन ये तो प्ले स्टेशन के लिए भी है, लेकिन जो मूव्स उसमें होते हैं इसमें भी सेम यही चीज़ें होती हैं। गेम आपको बड़ी पसंद आएगी, और Pentium 4 पे भी ये गेम बेसिकली चल जाएगी इजी, टेंशन की बात नहीं है। इसका लिंक भी आपको मैं डिस्कॉर्ड पे कोशिश करूँगा दे दूँ। अब यहाँ पे लास्ट जो मैं आपको एक्स्ट्रा गेम दे रहा हूँ, उसका नाम है जेम्स बॉन्ड 007 ब्लड स्टोन। 2007 में 2010 में आई हुई गेम है, थर्ड पर्सन शूटर है। एक आपको अच्छी स्टोरी मिल जाएगी इसके अंदर, और मिशन इसके काफ़ी मज़े के हैं। और जैसे कि जेम्स बॉन्ड की फिल्म की स्टोरी से तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे इसकी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, लेकिन ओवरऑल गेम का एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा मिलेगा, और ग्राफिक्स वगैरह भी इसके बड़े अच्छे हैं। तो यार, वीडियो अगर आपको पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें उर्दू गेमर्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप ये गेम्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें, डिस्कॉर्ड पे जाएं, डाउनलोड सेक्शन में जाएं, वहाँ पे और भी बहुत सारी गेम्स पड़ी हुई हैं डाउनलोडिंग के लिए, तो आप उनकी वीडियोज़ मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड हो गई होंगी, वहाँ से आप देखें और अपनी मर्जी की गेम वहाँ से डाउनलोड करें, नो टेंशन। और चैनल सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।